अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका सारे का जायका किचन में। और आज मैं बनाऊंगी उबले अंडे का सालन, और ये बहुत ही बेहतरीन मज़े के बनते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको मसालों में क्या क्या पड़ता है वो मैं दिखाती हूँ। तो मसालों में पड़ेगा हमें प्याज और लहसुन दो, टमाटर दो, अदरक नहीं पड़ता है इसमें। और पाउडर में पड़ेगा हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, और तड़के में पड़ेगा ज़ीरा, राई, मेथी। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। पहले लहसुन और टमाटर प्याज को पीस लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, तेल को होने देती हूँ गरम। तेल हो गई है गरम, इसी में मैं ऐड कर दूँगी अंडा। हल्का मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब अंडे को निकाल लूंगी। तेल में ही डालूंगी थोड़ा सा जीरा, सरसों, मेथी। अब इन तीनों चीज़ों को चटकने दूंगी अच्छी तरह से। अब ऐड कर दूंगी मसाले जो मैं पीस कर रखी थी, टमाटर, प्याज और लहसुन। बचा हुआ पानी ऐड कर देंगे, मसाले जो बचे थे उसमें थोड़ा पानी ऐड करके ये मिक्स कर दी हूँ। और इसको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। इन्हीं मसालों में ऐड कर दूँगी कुछ पाउडर मसाला, जैसे कि गोलकी का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और हल्दी का पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिर्ची का पाउडर 2 छोटा चम्मच, धनिया का पाउडर 2 छोटा चम्मच, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ। नमक ऐड कर दूंगी क्वांटिटी के हिसाब से, पहले भी थोड़ा नमक ऐड करी हूँ जब अंडा फ्राई कर रही थी तब। अभी थोड़ा देख के करिएगा। थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और धीमी आंच में इसको भूंज लेना है। मसाला हमारा जा गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसी में ऐड कर दूंगी मैं पानी, ग्रेवी के लिए, और ऐड कर दूंगी धनिया की पत्ती। थोड़ा से पानी और ऐड कर दूंगी। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी अंडे जो मैं बॉईल करके तल के रखी हूँ। देखिए हमारा सालन कितना बेहतरीन दिख रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होगा, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा से कसूरी मेथी, हल्का क्रश करके थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं, बस खुशबू के लिए ही। तो अंडे का सालन बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको डिश आउट करती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये अंडे का सालन बनके रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। और आपको अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करिए, शेयर करिए।
तो चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।